इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। पूरे शहर के पास स्थित है ये अद्भुत सिंहगढ़ किला। ये ऐतिहासिक किला खासकर अपने मराठा इतिहास के लिए जाना जाता है। इस किले की शोहरत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मराठा सेनापति तान्हाजी मालुसरे और सिंहगढ़ की लड़ाई। मगर सिंहगढ़ किले की एक और महत्वपूर्ण चीज है ये स्मारक। ये स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे छत्रपति राजा राम की समाधि है। हालांकि छत्रपति राजा राम का निधन कम उम्र में ही हो गया था, लेकिन ये समाधि आज भी मराठा इतिहास में उनके योगदान की एक याद दिलाती है। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक हुआ था। उसी के साथ मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। सन 1680 में उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके बड़े बेटे संभाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। ये वो समय था जब मराठाओं को मुगलों के हमले का सामना करना पड़ रहा था। सन 1680 में ही औरंगजेब मराठाओं पर हमला कर रहा था। आखिरकार सन 1689 में मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज की बेदर्दी से हत्या कर दी और मराठा राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजा राम छत्रपति बन गए। मगर मुगलों के कब्जे के बाद राजा राम को रायगढ़ किले से भागना पड़ा। पन्हाला और प्रतापगढ़ के किले से होते हुए वो और उनकी पत्नी रानी ताराबाई दक्षिण में दूर जिंजी के पास पहुंच गए। चेन्नई से करीब 160 किलोमीटर दूर जिंजी को सन 1677 में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया था। उससे पहले जिंजी बीजापुर के कब्जे में था। तब से ही जिंजी मराठों के हिस्से में आ गया था। ये मराठा साम्राज्य का सबसे दक्षिणी हिस्सा था, इसीलिए छत्रपति राजा राम के लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। लेकिन उनकी परेशानियां यहां भी जारी रही। सन 1690 में मुगल सेना ने जिंजी पर हमला कर दिया। सितंबर 1690 और जनवरी 1698 के बीच 8 साल तक जिंजी पर घेराबंदी चली। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मुगल सेना ने जितने भी किलों की घेराबंदी की थी, जिंजी किले की घेराबंदी सबसे लंबे समय तक चलने वालों में से एक थी। इसी घेराबंदी के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और छत्रपति राजा राम की पत्नी रानी ताराबाई का एक वीर योद्धा के रूप में उदय हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जिंजी में छत्रपति राजा राम की तबीयत खराब होने के बाद शासन पूरी तरह से ताराबाई ने ही संभाला था। सन 1698 में मुगलों से लड़ाई जारी रहने के बावजूद छत्रपति राजा राम और रानी ताराबाई जिंजी किले से चुपचाप निकल गए और फिर से महाराष्ट्र पहुंचने में कामयाब रहे। यहां आने के बाद छत्रपति राजा राम ने नागपुर और बेरार जैसे क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, लेकिन 2 साल में ही तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया। सन 1700 में छत्रपति राजा राम का देहांत सिंहगढ़ के किले में ही हुआ था, जहां उनकी समाधि बनी हुई है। ये वही स्थान है जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस जगह पर उनकी समाधि रानी ताराबाई के आदेश से बनवाई गई थी। छत्रपति राजा राम का शासनकाल बहुत ही छोटा और कठिनाइयों से भरा हुआ था। सिंहगढ़ किले की ये समाधि आज भी हमें मराठा इतिहास के इस राजा के महत्वपूर्ण योगदान की याद दिलाती है।